और ये एक गणपति हुआ है, बहुत सुंदर। कैसे हैं आप सब? आप सबका गणपति पूजा, गणपति सेलिब्रेशन कैसे चल रहा है? तो कल तो लास्ट हमने मैंने वीडियो गाड़ी पे एंड किया था। उसके बाद हम घर आके बहुत सारा काम था। अभी है सुबह के 10, मतलब नेक्स्ट डे आज है सैटरडे। तो फ्रेंड सोसाइटी में रहती है जिसके घर में पूजा पे गई थी उस दिन, उस फ्रेंड ने भी मोदक, फिर उनका स्वीट, एक अप्पम बनाते हैं वो अप्पम, फिर चूड़ा, बहुत कुछ भेजा था, खीर, साबूदाने का खीर, वो सब भेजा था। तो इतना इतना राइस खाया रात को, ज्यादा खाए नहीं, बहुत सारा राइस बचा है, हमारा लंच हो जाएगा आराम से। बासमती राइस, वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं घर पे, सब डाल के एक फ्राइड राइस जैसा बना दो, उसके साथ आलू फूल गोभी की सब्जी खा लेंगे और डिनर का डिनर में देखा जाएगा। और आज तो मेरे पतिदेव बोले हैं कि लंच के बाद हमको घूमने लेके जाएंगे, मतलब गाड़ी पे ही हम थोड़ा डगरू शेड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बटर लाइन, साबूदाने का खीर दिया था, इसमें मोदक था, स्वीट अप्पम जैसा। मैंने भी कल प्रसाद आफ्टरनून पे अंकल के हाथ पे उनके घर में भेज भिजवा दिया था। बोले फिर तुम फूलगोभी आलू की सब्जी बनाना पड़ेगा, वेज बिरयानी बना दो, उसके साथ मैं नीचे से दही लेके आता हूँ, तो दही से रायता बना लेंगे, तो वेज बिरयानी और दही। अभी वेजिटेबल्स जो है वो सब कुक हो गया है, अभी बस मैं इसमें राइस डाल दूंगी। राइस भी इतना सारा है, इसको ढक देते हैं, ये दम पे थोड़ा होता रहे। तो जब तक वो दम पे होता रहे तब तक मिष्टू भी यहाँ पे अपना कुछ काम कर रही है। नोट्स लिख रही हूँ। पैर पे क्रीम लगा के, फुट पे अच्छे से क्रीम लगा के उस पर सॉक्स पहनी है। तो पता है कि सॉक्स पहनने से पैर अच्छा रहता है, इसलिए मिष्टू ने सॉक्स पहन लिया है। और मिष्टू भी यहाँ पे अपना काम कर रही है, का वीडियो जो है वो एडिट करना है, तो थोड़ा सा हो गया है, बाकी जो है वो भी कर लेती हूँ फटाफट। वही पूछ रही है, अभी उसी का कुछ लिख रही है, तो वही पूछ रही है गीजा कितना दूर है, क्योंकि गीजा में है पिरामिड और फिनिक्स, कायरो तो छिलो डेट्स वो सब लाते थे। और अभी इंडिया पे लोग इतना पम्पकिन सीड्स, फिर बहुत टाइप के सीड्स जो है खा रहे हैं, लेकिन जब 2010 का बोल रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम जाके वहां से आए थे तो इतना पम्पकिन सीड्स लेके आए थे, सॉल्टेड पम्पकिन सीड्स, तब मैं बोली ये कोई खाता है, खाने की चीज है, बट अभी लोग पैसा दे दे के वेट लॉस करने के लिए वो सब खा रहे हैं। वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन सीड्स, सॉल्टेड सॉल्टेड, वो भी मतलब उसको वो कुछ वर्क किया होगा उसके साथ, सुखा के शायद सॉल्ट वॉल्ट दे के प्रोसेस करके। और हमारा आज लंच बहुत बढ़िया वाला है, और कल का थोड़ा पनीर भी बचा था तो मिष्टू को ही मैंने दिया, तो मिष्टू खत्म नहीं कर पाई और आज भी रेडी है, और आगे मिष्टू तो अभी क्या कर रही हो, बोल दो। इस टाइप का लंच ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वन पॉट मील। कैसा लगा आज का लंच? बहुत और मिष्टू मेरे लिए कुछ लाई है, स्वीट्स फॉर मम्मी बाबा। तो मैं कल बहुत सारे स्वीट्स लाए थे ना, मतलब प्लेट में तो ज्यादा आया भी नहीं, ज्यादा तो बॉक्स में भी था। टमाटर भी है, लड्डू, बेसन का लड्डू बहुत अच्छा है, सॉफ्ट। अच्छा मुझसे एक बाइट खाओ, मम्मा बोल रही है। अभी ना लगभग 4:30 बज गए हैं और यहाँ पे कोई तो कुछ कर रहा है, अकेले नेल पेंट्स लगा रही है, तो मुझे भी बोली मम्मा तुम्हारे हाथ में पैर में मैं लगा दूँ? मैं बोली हाथ में तो मैं रिस्क नहीं ले सकती मिष्टू, पैर में लगा के दे सकती हो मुझे। तो मुझे मिष्टू ने पैर में कौन सा कलर लगा के दिया, हाथ में मैंने गोल्डन लगाया। यहाँ पे मिष्टू देखिए पूरा दुकान बना के रखी है नेल पेंट ट्रेन। और मैं ना हर तरह का कलर अप्लाई करती हूँ, नेल पेंट्स से तो खेल ही रही है, उसके साथ आप ये जो माला देख रहे हैं ना मिष्टू, मैं तुम्हारा बिगाड़ रही हूँ खेल, येलो वाला सब दे उगलो दे, कपड़े से बना है, ये दो कलर का है रेड एंड वाइट, ये ब्लू कलर का है ब्लू एंड वाइट, ये ग्रे,
ये पिंक, ये वाइट और ये येलो। शादी हुई थी तो हम लोगों में ना तौतो देते हैं, मम्मी लोग चार बहन है तो जब मेरी सबसे बड़ी मौसी है। अभी तो हमारे वहाँ पे ये सब मालाएं जो है वो खरीदने में मिलता है, लेकिन तब मेरी मौसी ने खुद अपने हाथों से ऐसा बना के दिया था, क्योंकि मेरी मौसी बोल रही थी तुम शादी के बाद बाहर जाओगी, फिर वहाँ फेस्टिवल होगा या तो मतलब कुछ इन्विटेशन आएगा, तो एक एक सुंदर सुंदर साड़ी पहनना और उसके साथ मैचिंग करके। और तब तो मेरे बाल इतने तक थे, एकदम कमर तक, इतने मोटे बाल, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब उस मैचिंग करके लगाना मिष्टू के काम में आता है, क्योंकि मिष्टू डांस करती है, साड़ी या जो भी ड्रेस वो पहनती है उसके साथ मैचिंग करके ये लगा देती हूँ। इतने साल से मैं इसको संभाल के रखी हूँ, क्योंकि ये मेरी बड़ी मौसी की निशानी है। अनुरुद्ध का जस्ट मीटिंग खत्म हुआ है और अभी हमने चाय पिया, 6:30 बज गए, अभी हम कहाँ जाएंगे, तो कल सुबह अनुरुद्ध बोल रहे हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम डगरुशेट जाएंगे, लोकली कहीं पे यहाँ पे चलो घूम के आते हैं। आह अनुरुद्ध गाना चला रहे ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ स्पीकर पे 90s के सॉन्ग, तब हम छोटे थे लेकिन फिर भी कितना अच्छा है ना तब का गाना। ये कुर्ता मैं रक्षाबंधन के दिन पहनी थी, कटी थे मिष्टू एप्पल लगेगी। कल जहाँ पे मुंह ढका हुआ था वहीं का, और हम लोग निकल गए हैं और निकल के 3-4 मूर्ति देख भी लिया है। कल जो जो स्टार्ट हो रहा था, मतलब कहीं पे आरती होगा या कहीं पे कुछ होगा, वो सब आज अच्छे से देखा हमने उतर के, क्योंकि अभी तक जो है वो आरती कहीं पे स्टार्ट नहीं हुआ तो बिल्कुल भीड़ नहीं था, इसलिए हम अभी तुरंत हर जगह पे थोड़ा उतर के देख के फिर फटाफट निकल रहे हैं। हर साल जो पूना महाराष्ट्र जो गणपति के लिए फेमस है, क्या कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे हर साल बहुत बड़ा एक फेयर आता था और बाहर मंदिर में पूजा होता था, और बहुत राइड्स भी लगते थे, बट कुछ नहीं कर सकते। वही मिष्टू बोल रही मैं पहले कितना राइड्स चढ़ती थी। ভক্তি শক্তি আমি ঠিকই বলেছি। और ये एक गणपति हुआ है बहुत सुंदर, सब भगवान देख के दर्शन करके अभी हम खा रहे हैं, पता है क्या, वड़ा पाव, वो भी गरम गरम एकदम, क्योंकि बारिश हो रहा है तो वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है, तो उसमें गरम गरम वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। और उसके साथ हमने लिया है कांदा भाजी भी, जो हम वड़ा पाव के बाद खाएंगे, और उस पे ग्रीन मिर्ची। मिष्टू तुम तो मजे में ही हो, मिष्टू का हेयर स्टाइल देखिए खुद ब खुद चेंज हो गया, हेयर कट करने के बाद अच्छा है ना, हेयर कट क्यों किया बताया? हाँ बताया ना, एक्चुअली वड़ा पाव एक ऐसा चीज है जिसको देख के ही ना मुंह में पानी आता है, इसीलिए देखी निकल के एक जगह पे फ्राई करो थे गरम गरम। मैं उनको बोली कि भगवान दर्शन के लिए निकलते हैं तो कुछ खिलाना पड़ता है दर्शनार्थियों को, तो वड़ा पाव खिलाओ, ऑनियन फ्राई, ऑनियन पकौड़ा ये लोग कांदा बोलते हैं ऑनियन को मराठी में, और भाजी मतलब फ्राई, बांग्ला में बोलते हैं प्याजी, प्याजी हम लोग बोलते हैं प्याजी। घर जाना है खाते हैं, फिर घर जाके आपसे बात करते हैं। कुछ देर हो गया है, हम घर आ गए हैं और लास्ट मोमेंट पे वड़ा पाव और उतना सारा कांदा भाजी खा के ना अभी पेट में जगह नहीं और डिनर करने का। कितने बज के रात के 10, इस वीडियो को भी ये पेंट करते हैं। आज का गणपति पूजा भी अच्छा गया, घर पे बीता, और बाहर हमने बहुत सारा देखा ना, मिष्टू ने काउंट किया 28
मतलब छोटा बड़ा कल का आज का मिला के मिस्टर ने टोटल 28 देखा है। तो चलिए आज इस वीडियो को पेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय 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 गुड नाइट बाय बाय।